हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हुदाशना रेसिपीज़। ये मैंने बनाया है कीमा पाव, और ये बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे अक्सर खाना पसंद करते हैं पाव के साथ कीमा या पराठे के साथ कीमा। तो इसके लिए मैं जब भी संडे होता है या कोई ऐसे छुट्टी का दिन होता है तो मैं ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाती हूँ। आप भी ट्राई करेंगे, बहुत टेस्टी बना है, बिना रेड चिली के, विदाउट कोई भी ऐसा गर्म मसाला पिसा हुआ मैंने यूज़ नहीं किया, जस्ट ओनली फॉर फ्लेवर के लिए ये मैंने डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने ऑयल ले लिया है, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल है, और फिर उसमें ये थोड़े से गरम मसाले हैं, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री और ज़ीरा और तेज़पात के पत्ते। इन सबसे फ्लेवर अच्छा आता है, इसके लिए मैं तड़के में इसको यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैं तेल में मैंने प्याज डाल दी है। प्याज 3 से 4 गांठी आप ले सकते हैं, आप 2 से 3 भी ले सकते हैं, जैसा आपको ग्रेवी जो होती है, जो कीमे का थिकनेस होता है, चाहिए। आप कम भी कर सकते हैं, बट मैंने इसमें 3 से 4 गांठी ले ली थी। रेड हो गया है, अब प्याज हमारी रेड हो गई है। उसके बाद मैंने क्या किया है, घर का ही बना हुआ ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। देखिए कितना चिकना, कितना अच्छा बनता है घर पे ही बना हुआ, और बाहर का पता नहीं कितने दिन का हो, क्या हो, इसलिए बेहतर है कि आप घर का लहसुन अदरक पेस्ट यूज़ करें। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार, मींस जैसा आपको तेज़ कम, जैसा आप खाते हो आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया था नमक, और फिर मैंने हल्दी 1 टीस्पून डाली हुई है, 1.5 धनिया पाउडर डाल दिया था। अब मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया है। ये रूखा कीमा नहीं होता है, इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है। जो रूखा कीमा होता है उससे क्या होता है, थोड़ा ड्राई ड्राई सा रहता है कीमा बनने के बाद, तो थोड़ा सा चिकना कीमा लिया करिए कीमा बनाने के लिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, टोमेटोज़ डाल दिए। आप देख रहे होंगे टोमेटो मैंने छील के यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं पीस के डालती तो मैं छिलके नहीं निकालती। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर आपको पिसा हुआ डालना है तो आप छिलके ना निकालें। देखिए मैं रेड चिली का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट ये कश्मीरी रेड चिली है, इसमें तीखापन नहीं होता है, बट हमारे खाने का जो जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो जो खाना दिखने में खूबसूरत होता है तो ज़ाहिर सी बात है वो टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। अब ये क्या है, ये है काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर है। मैं इसको सिंपल तरीके से कम सामान से मैंने आपको इसको बनाते हुए दिखाया है। अब इसमें अच्छा खासा पानी वैसे भी रिलीज़ होता है, तो आप 1 सीटी ले सकते हैं, बट अगर आप 1 कप पानी डाल करके सीटी लेंगे तो मच बेटर है। मैंने 1 कप पानी डाला था, उसके बाद मैंने सीटी ले ली थी 3 से 4। कीमा गल गया है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा खुला पकाएंगे। मैंने बताया ना कि मैंने रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं किया है तीखे के लिए, मैंने हरी मिर्च डाला है। हरी मिर्च आप कभी भी डालें तो स्टार्टिंग से ना डालें, हमेशा सीटी लेने के बाद आप डालें, तो वो ग्रीन जो होता है मिर्ची का वो बना रहता है और टेस्ट भी आ जाता है। अब मटर मेरे फ्रोज़न रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मटर भी डाल देती हूँ। बस कीमा रेडी हो चुका था, मटर मैंने बॉयल करके डाले थे। तो इन्जॉय करिए अपनी फैमिली के साथ, बनाइए, और कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट का वेट करते हैं। आप जब लाइक करते हैं तो यकीन मानिए बहुत खुशी होती है, हिम्मत बनती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, सेम नाम है हुदाशना रेसिपीज़ करके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।